हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है दिन के दो बज रहे हैं। खाना वाना हमने खा लिया है दिन का, और बहुत बारिश आ रही थी सुबह से, और अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई है। पता नहीं आपको मेरे मुंह में धुआं नहीं दिख रहा है, पर मुंह से धुआं भी निकल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है। मैं मौसम दिखाती हूँ। तो ये तो हो रहा है मौसम का हाल, बहुत ही ठंडा। और अब मैं जा रही हूँ, आज अगर ऐसी थोड़ी देर और बारिश बन रही तो मैं जा रही हूँ आज अपनी बहन के घर ग्वाला पार। फाइनली मैं आ गई हूँ इसके घर पे, और अब हेलमेट उलमेट तो आते, जैकेट तो पूरी मेरी पूरी गीली हो गई है, बारिश और थी बहुत ज़्यादा टाइम। और यह है एक गांव ग्वाला पार्क, दिखाते हैं आपको। यहाँ पूरे खेत ही खेत है भाई, मतलब सीन बहुत अच्छा है। तो हेलमेट रखते हैं। ये तो लाई हूँ मैं इसके लिए सब्जी, और ये मंगाया है इसने मुझसे कैनवास। पता नहीं क्या पेंट करने वाली होगी इसकी पेंटिंग, पता नहीं मुझे कैसी है, मैंने नहीं देखी, मैं कुछ नहीं कह सकती। पर ये दो कैनवास हैं इसके, और चाउमीन भी मंगाई है इसने, कह रहे थे हम थुप्पा बना के खाएंगे, और साथ में अपने लिए क्रीम रोल लेके आए, इसके अंदर क्रीम रोल भी है। मुझे क्रीम रोल अच्छा लगता है, पर मेरे को समझ में कैसे लेके जाओ ये सारा सामान, तो मैं इसको बाहर बुलाती हूँ। तो ये आ गई यहाँ से मेरी बहन। कह रही है व्लॉग में थोड़ा मैं गंदी लग रही, जल्दी आ जा। देखो गाइस आपको मैं बहुत ही सुंदर चीज दिखाती, इससे मिलो। मुझे इसका नाम है गोका, मतलब कुछ भी बोल देती हूँ मैं तो इसको जो। ये देखो ये छोटी छोटी बेटी, असली नाम इसका गोका है, वैसे इसका नाम पोनो सोनो गोनो गु। ये इसकी मॉमी है, ये इनका बिस्तर है, और ये है भल्ला, इसका भल्ला। बात बताया था। ये मिल गया तीनों को, लॉटरी चौको पाए दो पगवे दा। ये छोटा वाला गेट बंद कर दे एक सेकंड ना। हम आ गए हैं यहाँ नूडल हाउस में, हल्द्वानी में ही आई भी, और मैंने स्टार्ट किया था अपने घर से, फिर मैं गई ग्वाला पार, और मैं वापस वहीं आ चुकी हूँ ले देके अपनी स्कूटी ग्वाला पार में खड़ी करके। तो थोड़ा सा लंबा सफर हो गया, शाम भी हो गई है। देखो दोबारा इसने इतनी सारी चटनी डाल दी, ऐसा था थुप्पा, इसमें भी चटनी है पर इसमें तो नहीं है, और इसमें कुछ ज़्यादा ही चटनी वाला सूप। कैसा हो रहा है? इतने इंतजार के बाद 15 मिनट बाद ही आया है, पूरा सब कुछ खाने के बाद 15 मिनट हो गए थे तभी आए हैं, तब हम इसे खा लेते हैं। हाँ 15 मिनट से भी ज्यादा हो गए।
तो हम लोगों ने अब खा लिया है, पान भी, अब हम जा रहे हैं वापस। बाहर हो गया है पूरा अंधेरा, दिखाती हूँ आपको। ये देखो बाहर हो गया पूरा अंधेरा। पूजा नहीं, वो ही गान लगा दिया जीजू, ऊ अंट वहा वहा हाँ जीजू, ये गाना मत लगा दो यार जीजू जी, क्या गाना है भी ये। तो फाइनली हम आ गए हैं वापस घर। तो हम तीनों बैठे हुए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं यार ये दोनों, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत समझदार भी। पूजे कितने महीने के होंगे? दो तीन महीने के बच्चे हैं ये हमारे छोटे से बालक। गोगो तुम छोटी हो, ये मुंह चाट सारे कुत्ते मुंह चाट रहे मेरा। तो हम आ चुके हैं घर वापस, पूजा ने ये बनाए हैं चाउमीन और सूप, मतलब कुछ थुप्पा ये बनाया पूजा ने। पेट तो मेरा पहले से भरा है, फिर भी ये चॉपस्टिक के साथ खाना है, मैं पहली बार चॉपस्टिक के साथ खा रही हूँ, तो लेट्स ट्राई। थोड़ा तो मैंने सीख लिया है। माय गॉड जीजू मेरी मजाक उड़ा रहे पकड़ लिया बेटा मैंने जीजू, तूने वो गलती से वो आ गया फंसे फंसे नहीं, मैंने सीख लिया है, चुप जाओ जीजू। जीजू आप मेरी मजाक उड़ा रहे हो, ये सीख ले बेटा, तू ऐसे नहीं पकड़ता, ऐसे तू पकड़े है ऐसे पकड़ते हैं जीजू, वो देख दो ना ले तू चॉपस्टिक से खा, ये मेरे उसमें कुछ आए नहीं रहे, क्या लेके आओ नमक लाओ उसके लिए फ्रिज में से, वहां से नमक किचन में से, और इनको खाना भी दे दो, दे तो दिया हां, तो फ्रिज वहां से किचन में से नमक ले आओ, पर्दे लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। पकड़ लिया मैंने फाइनली। रात के 10:30 बज गए, अब हम लोग, मेरे कहने पे मेरे को घूमने का बहुत मन और था, तो फिर मैंने बोला कि घूमने चल रहे, तो हम लोग जा रहे हैं नैनीताल घूमने, क्योंकि वहाँ बर्फ पड़ी हुई है, तो मेरा बहुत मन था बर्फ देखने का। तो हम तीनों जा रहे हैं नैनीताल, बस जाएंगे और थोड़ा सा बर्फ देखेंगे और वहां से आएंगे सीधा वापस। ये तो डालना पड़ेगा आपको, यहाँ का वो दिखाती है, व्यू दिखाती हूँ, मेरा क्रीम रोल। रात के 12 बज गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है, यहाँ से अंदर जाती हूँ और आपको थोड़ा सा ताल का व्यू दिखाती हूँ। मैं खुद यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ मतलब मैं आई हूँ नैनीताल बहुत बार, पर इस साइड को पहली बार आ रही हूँ। ये देखो ये पूरा लेक है, नीचे बिल्कुल नीचे से ही लेक है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की हो रही है। गाड़ी के अंदर थे तो अभी तक पता नहीं चल रहा था, पर अब पता चल रहा है कि बारिश भी हो रही है, और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। नैनीताल की ब्यूटी अलग है पता है, पर हम लोग को इतना ज्यादा पता नहीं चलता क्योंकि हम यहीं रहते हैं। हाँ कहाँ पे बर्फ कहाँ है, मतलब पड़ जाएगी ना 1 बजे तक
देख लेंगे कुछ। हम बर्फी तो देखने आए हैं हम ये हल्द्वानी से। ठीक है दादी, थैंक यू, पढ़ जाए बढ़िया है। जीजू कपड़ों के अंदर डाल रहे हैं, जीजू जीजू कपड़ों के अंदर डाल रहे हैं। इतना मोटा तुम्हारा पत्थर था, कोई तेज लगी बहुत तेज। मैं कपड़ों के अंदर मुंह डालो कल तब। जीजू इतने बड़े बड़े गोले मार रहे हैं। मेरी बहन ने मुझे इतना बड़ा गोला मारा, अब मैं ऐसे मारूंगी। नहीं पूजा प्लीज, पूजा को तो देखो कितने बड़े बड़े गोले मार रही है। ठंडा रात के 12 बजे, तीनों जनों की फोटो 12:30 बजे जल्दी बर्फ में खेल रहे हैं। जीजू ने सारी बर्फ कपड़ों के अंदर डाल दी, नाक दी कितनी लाल हो गई। जीजू मुझे मत लेना मत। सर फोड़ दिया मेरी बहन ने, मेरे सर में इतना बड़ा बर्फ का गोला जमा हुआ मारा। मेरी बहन मेरी जान लेना चाहती है। एक मान ले गर्दन डिसलोकेट हो गई। डिसलोकेट हो गई, मैं बता नहीं सकती इतना ठंडा हो रहा है। चलो पापा, बहुत 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 ज्यादा मजा आ गया है। तो अब हो गई अगली सुबह, अभी तक मैंने मुंह हाथ नहीं धोया है। तो मैंने सोचा वीडियो एंड कर लेती हूँ, क्योंकि रात में हम 2 बजे यहाँ पहुँचे थे और आते समय मुझे बहुत उल्टियाँ हो गई थी, तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी सब ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब उठते व्लॉग एंड करती हूँ। तो इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।